कानून बनाया हमारे बनाने के बाद कड़ा कानून। अब मनसा पे सवाल उठाना और हर चीज को जोड़ देना कि सत्ता का संरक्षण प्राप्त है, ये गलत है। जो अपने कार्यकाल में एक जेपीएससी नहीं ले पाए वो हमको मत सिखाए कि हम युवाओं की चिंता कर रहे हैं। हाथी का दांत खाने के लिए अलग होता है, दिखाने के लिए अलग होता है। आपने कानून बना दिया लेकिन कानून का पालन करने का जब समय आया तो आप बगले झांकने लगे। अगर यदि आप वो कानून को एज इट इज यदि लागू कर देते तो शायद हमें ये बात कहने के लिए यहाँ आपके सामने आना नहीं पड़ता। यह कानून बना करके सिर्फ आईवास करने के लिए, और जब आपको इस कानून को इम्प्लीमेंट करने का समय आया तो आप बगले झांकने के लिए थोड़ी है। तो ये जो भी बातें कह रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ जो मुख्य जो किंग पिन है उसको बचाने के लिए कर रहे हैं। और हम सब लोग इस बात का समर्थन करते हैं कि अभी सीबीआई जांच के अलावा वो कुछ भी इसमें मंजूर नहीं है। चेयरमैन की गिरफ्तारी मांग कर रहे थे वो तो इस्तीफा दे दिए। देखिए अबुआ आवास का भी एक बड़ा मुद्दा है, जिस तरह से अबुआ आवास में घपले घोटाले हो रहे हैं। एक तो अबुआ आवास में पहले इन्होंने क्या क्या जो ग्राम जो उनका जो है सरकार आपके द्वार जो कार्यक्रम इन्होंने चलाया था उसमें इन्होंने पहले अबुआ आवास के आवेदन लिया उसको रिसिप्ट दिया। पहले देखे कैसे कैसे गड़बड़ी करता है। पहले आवेदन लिया उसका जो है रिसिप्ट दिया उस पर लगा दिया गया और लाखों आवेदन आ गए। उसके बाद फिर सरकार कहती है कि भाई आप जो है अब वो आवास के लिए ग्राम सभा करिए। तो भाई ग्राम सभा करिए तो फिर आप सरकार आपके द्वार में वो आवेदन क्यों लिए। अब ग्राम सभा जब हुआ तो ग्राम सभा से जो मुखिया या फिर संबंधित जो भी जनप्रतिनिधि है उन्होंने जो अनुशंसा की वो अनुशंसाओं को भी दरकिनार कर दिया गया और फिर नई एक सूची बना दी गई जो अयोग्य लोगों की है। सारे क्षेत्र के मुखिया से लेकर के सभी लोकल जनप्रतिनिधि इसका विरोध कर रहे हैं और सभी आवास में 20 से 25 हजार रुपया का दोहन आम बात हो गई है, लोगों ने लेना प्रारंभ कर दिया है। अब डीबीटी का काम इन्होंने चालू किया, कहें भी डीबीटी हम लोग ने प्रारंभ कर दिया है। हेमंत सोरेन जी नहीं अपने मुख्यमंत्री रहते हुए इसका शुरुआत सिमडेगा से किया था और अभी चंपई जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं 2-3 जगहों पे इन्होंने भी बड़े बड़े हैंगर लगा करके बटन दबाने का काम किया है। डीबीटी का जो समझ है जब प्रधानमंत्री जी आदरणीय मोदी जी जब डीबीटी के लिए बटन दबाते हैं तो पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का पैसा जो है अरबों रुपया चला जाता है देन एंड देयर, एक घंटे के अंदर 24 घंटे के अंदर इनको प्रोसेस हो जाता है। लेकिन ये ऐसा डीबीटी कर रहे हैं कि आज एक महीने से ऊपर हो गया किसी लाभुक के पास 1 रुपया नहीं पहुंचा है। ए अबुआ आवास का जो लाभुकों की सूची आप कह रहे हैं जो धरा रहे हैं एक के पास 1 रुपया नहीं पहुंचा और आप डीबीटी कह रहे हैं, तो सरकार ठगने वाली सरकार है। ठीक उसी तरह से जैसे मुख्यमंत्री आमंत्रण कप में खिलाड़ियों ने जो जीता उसको 6 लाख का डमी चेक पकड़ा है और डमी चेक आज तक उसका कैश नहीं हुआ। तो डमी सरकार डमी इच्छा चेक और डमी इसके नेता मुख्यमंत्री सब डमी है। एक पूरी तरह से ठगने के कारण ही इसके सरकार का डीएनए में ठगी है। ये ठग करके ही झारखंड को जो सत्ता में आई और अभी भी सिर्फ ठगने का ही काम कर रही है। तो जनता ऐसे महाठगों का ठीक से इलाज करेगी। धन्यवाद।